नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। ऊर्जा विभाग के इस प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी उपयोगी है। एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस ने डगमारा प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, जो सुपौल जिले के अंतर्गत कोसी बराज से नीचे और कोसी महासेतु से ऊपर बनाया जाएगा। इसे लेकर विशेषज्ञों ने डिजाइन भी तैयार कर लिया है। डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने से बिजली के निर्माण के अलावे कई फायदे होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी उपयोगी है। हमें तटबंध के आसपास रहने वाले लोगों की सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा। वहीं मुख्य बांधों की मजबूती और सुरक्षा के प्रति भी अलर्ट रहना होगा। जी हाँ, अब बिहार में गाँव के उपभोक्ताओं को 10 रुपये में LED बल्ब मिलेगा। 15 मार्च से ग्राम उजाला योजना के तहत बिहार के सभी गाँव में ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को 10 रुपये में LED बल्ब मिलने लगेगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह 15 मार्च को भोजपुर जिले से करेंगे। इस योजना के तहत हर उपभोक्ताओं को 9 और 12 वाट के 5 LED बल्ब 10 रुपये की दर से दिए जाएंगे। इस योजना के पहले चरण में भोजपुर के उपभोक्ताओं को करीब 25 लाख LED बल्ब दिए जाएंगे। कोरोना महामारी से उत्पन्न मुश्किलों के बाद अब लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। इधर पेट्रोल डीजल के दाम का असर ऑटो के बाद बसों के किराए पर पड़ने लगा है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन विभाग की इजाज़त के बिना ही बिहार ट्रांसपोर्टर मोटर फेडरेशन ने लंबी रूट की बसों का किराया 20% बढ़ा दिया है। इसके कारण प्राइवेट बस में सफर करने वाले यात्रियों को अब 40 से 80 रुपये तक ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। 20% बढ़ा किराया 14 मार्च की रात के 12 बजे के बाद लागू होगा। हालांकि इससे पहले कई जिलों में बस के कंडक्टर यात्री से बढ़ा किराया वसूलने लगे हैं। इसको लेकर यात्री व कंडक्टर में बहस भी हो रही है। पटना के लोगों के लिए अब राहत भरी खबर है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बसों का किराया कम करने का फैसला लिया है। ऐसे में गर्मी के मौसम में लोग अब वातानुकूलित व प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक बस से आसानी से यात्रा कर सकेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने जानकारी देते हुए कहा है कि निगम ने पटना में चलने वाले इलेक्ट्रिक बसों का किराया कम करने का फैसला लिया है। इलेक्ट्रिक बस से यात्रा करने वाले लोगों को अब न्यूनतम किराया 10 रुपये ही देने होंगे। पहले इस बस का न्यूनतम किराया 20 रुपये और अधिकतम किराया 50 रुपये था, लेकिन न्यूनतम किराया 10 रुपये किए जाने से पटना में लोकल सफर करने वाले लोगों को फायदा मिल सकेगा। ऐसे में अब पटना में रहने वाले लोग 5 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 10 रुपये में तय कर सकेंगे। गांधी मैदान से पटना जंक्शन तक ऑटो के बराबर 10 रुपये किराया देना होगा। महानगरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत बुजुर्ग व बीमार लोगों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अब कोवैक्सीन का टीका लगवाने से पहले फॉर्म भरे जाने की बंदिशें से लोगों को मुक्ति दे दी गई है। सहमति पत्र में ट्रायल से संबंधी जानकारी भरी जाती थी। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल बेसिस पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। वैक्सीनेशन सेंटर के अधिकारियों के मुताबिक कोवैक्सीनेशन टीका का सफल ट्रायल पूरा होने के बाद पिछले महीने कंपनी की ओर से इसे कोरोना के मरीजों की इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए ड्रग रेगुलेटर के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को भेजकर मंजूरी मांगी गई थी। पटना सहित पूरे बिहार में स्वास्थ्य कर्मचारी व आम लोग कोवैक्सीन के बदले कोविशील्ड वैक्सीन अधिक लगाना पसंद कर रहे हैं। जानकारों के माने तो वैक्सीन की आखिरी ट्रायल का डाटा नहीं होने के कारण बिहार सहित अन्य राज्यों में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था। महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। अगर आप पटना में जमीन खरीदना चाहते हैं तो इसको लेकर आपको और जेब ढीली करनी पड़ेगी।
जी हाँ, पटना जिले में अब जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। मुख्य मार्गों पर सर्किल रेट में 50% और लिंक रोड में 25-30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। किस इलाके में कितना सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 12 टीमें सर्वेक्षण कर रही है। 25 मार्च तक सर्वेक्षण पूरा होने की संभावना है। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि अगर सर्वेक्षण रिपोर्ट 31 मार्च के पहले राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति मिल जाएगी तो नया सर्किल रेट 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। व्यवसायिक मुख्य केवल व्यवसायिक ताल कृषि आवासीय मुख्य और आवासीय सहायक सड़कों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि इससे पहले 31 जनवरी 2016 को सर्वेक्षण किया गया था, जिससे भूमि का सर्किल रेट पहले की तुलना में 1.5 गुना अधिक कर दिया गया था। 1 फरवरी 2016 से 31 मार्च 2017 के लिए नई दर लागू की गई थी। फिर 4 साल बाद सर्किल रेट बढ़ाई के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण केंद्र बनाएगा। इस केंद्र पर ग्रामीण इलाकों के 45 से 59 वर्ष के वैसे लोग जो बीमार है वे प्रमाण पत्र के साथ टीका ले सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बने हेल्थ वेलनेस सेंटर पर लोगों को टीका देगा। 12 मार्च से इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर AK पांडे ने सभी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी को वेलनेस सेंटर का टीकाकरण के विशेष के लिए माइक्रो प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिक से अधिक लोगों को टीका देने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण स्तर पर टीकाकरण करने की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत 12 मार्च को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक पायदान नीचे के स्तर पर टीकाकरण करने की तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि हर प्रखंड में 2 हेल्थ वेलनेस सेंटर पर टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है कि वे 2 वेलनेस सेंटर का चयन कर सूची उपलब्ध कराए। राज्य में बालू खनन को लेकर नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। नदियों पर बने सभी पुलों के आसपास से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल यह फैसला पुलों के नींव को हो रहे नुकसान की सूचना मिलने के बाद लिया गया है। सरकार ने नदियों पर बनाए गए पुल या निर्माणाधीन पुलों के आसपास बालू के खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसा करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि पुलों की संरचना के आसपास बालू के खनन के कारण नदी के बहाव क्षेत्र में बदलाव हो रहा है और जिसकी वजह से पुलों की नींव को नुकसान पहुंच रहा है। विभाग ने कई पुलों का नाम का जिक्र करते हुए इसके संबंध में जानकारी दी है। खासतौर पर फाल्गु पंचाने सकरी पुनपुन बदवा चानन और गोठियावा जैसी नदी को लेकर ऐसी जानकारी मिलने की बात कही गई है। मीना ने कहा है कि पिछले 15 सालों में दुर्लभ संपर्कता और आवागमन के लिए सभी नदियों पर सैकड़ों पुलों का निर्माण कराया गया है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कई पदों पर बहाली होगी। अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों एवं अन्य तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए कुल 3,883 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसे तत्काल बेल्ट्रॉन आउटसोर्सिंग से लिया जाएगा। इसमें सिस्टम एनालिस्ट का 1 पद, प्रोग्रामर का 5 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के ग्रेड सी के 139 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के 3,738 पद शामिल है। उक्त जानकारी शनिवार को विभागीय मंत्री रामसूरत कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि आमीन की कमी को दूर करने के लिए संविदा के आधार पर सृजित कुल 550 पदों में 486 आमीन का नियोजन कर 9 मार्च को प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 215, विशेष सर्वेक्षण लिपि के 339, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 319 एवं विशेष सर्वेक्षण आमीन के 1,178 पद संविदा पर आधारित नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया गया है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बिहार पुलिस की ओर से इस कानून को सख्ती से लागू करने का काफी दबाव है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर बिहार पुलिस की स्ट्रेटजी फेल साबित हो रही है, क्योंकि कई पुलिस वाले भी दारू के शौकीन हैं, जिन्हें पिछले दिनों नशे की हालत में गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ताज़ा मामला ये है कि शराब तस्करी में पकड़े गए वाहन अब थाने में बेकार नहीं पड़े रहेंगे। गाड़ियां थाने में सड़ेंगी नहीं, बल्कि अब उनका उपयोग सरकारी कामकाज में किया जाएगा। पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शराब तस्करी में पकड़ी गई गाड़ियों का उपयोग सरकारी कामों में करने का निर्देश दिया है, यानी कि जब्त वाहनों को अब सरकारी कार्यालय के उपयोग में लाया जाएगा। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में शराबबंदी की समीक्षा की गई। इस मीटिंग में DM ने कहा कि
राजसात वाहनों का उपयोग थाना सरकारी कार्यालयों में किया जाएगा। साथ ही राजसात वाहनों का उपयोग विद्यालय थाना और सरकारी कार्यों के लिए भी किया जाएगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।